एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक कुंदरकी का ग्राम तख्तपुर अल्लाह पड़ा। लगभग 3900 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही बताई गई। वर्तमान समय में रेहान इस गांव के प्रधान हैं, तो इस गांव में सफाई कर्मी भी पूरे चाक चौबंद तरीके से काम करते नजर आए। इस गांव में कुल वोटरों की संख्या लगभग 2500 है और वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 462 बताई गई। गांव में प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 343 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हुए दिखाई दिए। साथ ही इस गांव में मिलने वाले सभी तरह के लाभों को ग्रामीणों में अच्छी तरह से प्रधान ने वितरित किया है। इसी के साथ गांव में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए लगभग 42 हैंडपंप भी लगवाए गए हैं। साथ ही बिजली दुरुस्त कराने के लिए 350 बिजली के पोल व एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी प्रधान ने फंड से रखवाया है। कैमरे से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस गांव में स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत घर बनवाया जाए, साथ ही एक अंत्येष्टि केंद्र भी बनवाया जाए जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों ने भी कैमरे के सामने प्रधान की तारीफ करते हुए बताया कि प्रधान गांव के विकास में अपनी भागीदारी बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस गांव में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, सरकार जल्द से जल्द फंड दुरुस्त कराए जिससे प्रधान पानी की निकासी की समस्या को गाँव में से दूर कर सके। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद रेहान एडवोकेट है। मैं तख्तपुर अल्लाह नानकार का प्रधान हूँ। वर्तमान में मेरी जो न्याय पंचायत छिरावली लगती है ब्लॉक कुंदरकी, तहसील बिलारी का ये गांव है 3900 आबादी का, 2011 की जनगणना के अनुसार। फिलहाल 2500 वोटर हैं यहाँ पे, और जो सरकार की तरफ से योजनाएं चली जा रही हैं, खास करके स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 300 शौचालय मेरे गाँव में बने हैं और मेरा गाँव ODF में है। ODF में पूरे मंडल में सबसे पहले घोषित होने वाला गांव मेरा था, मंडल में पहला, क्योंकि हमें अवार्ड भी मिला था उसमें। सबसे पहले हमने ODF कराया था गांव, और लगातार 2 साल से विकास कार्य जारी है ही। और लगभग 450 मीटर RCC हमने चौदहवीं वित्त से और राज वित्त से जो पैसा निकाला उससे कराई है। अभी तक 300 शौचालय बनवाए हैं और 22 लाइटें, 16 लाइट हम लगवा चुके हैं। बाकी नाली की सफाई और नाली की मरम्मत भी हम लोगों ने कराई है। कोई ज़्यादा बहुत बड़े इश्यू नहीं है गांव में, लगभग गांव के काम पूरे ही हैं। आप देखेंगे गांव की हालत के लगभग 95% रोड हमारे RCC है ही। पहले विधायक कोटे से हुए थे गांव मेरा, क्योंकि इससे पहले जो एक योजना चलती है आपकी जनेश्वरी मिश्री योजना में हमारा गाँव आया था, उसमें उसके अंतर्गत भी हमारा रोड बनी है। बाकी 2-4 रोड रह गई हैं, काम पूरा है। लेकिन हमारे सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए अंत्येष्टि स्थल नहीं है, तो उन्हें अपने चिता जलाने के लिए दूर जाना पड़ता है, या तो या फिर एक उनका जो मरघट है, वो मरघट बिल्कुल तालाब के किनारे है। उसका प्रयास मेरा चल रहा है कि एक अंत्येष्टि स्थल बन जाए गाँव। दूसरा, गाँव बड़ा है, स्वास्थ्य सेवाएँ भी होनी चाहिए। PHC की मांग हम बड़े दिनों से कर रहे हैं कि एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बन जाना चाहिए, और सकारात्मक संदेश आ भी रहे कि शायद बनेगा, क्योंकि ODF के बाद गांव में लगना भी है और एक पंचायत में बना। अगर ये शासन से पैसा आता तो इन 3 चीज़ों की हमारे यहाँ ज़रूरत है, बाकी सब ठीक ठाक है। ऐसी कोई खास दिक्कत गांव में है नहीं। बहुत अच्छा काम हो रहा है गांव में, सही हो रहा है, सफाई साफ सुथरा गाँव है, बढ़िया नाली वाली भी सफा हो रही है, सब विकास हो रहा है गाँव में। पहले नहीं बना था, ये अब बन रहा है। इधर आधर कूड़ा पड़ा था, हाँ इधर आधर कूड़ा पड़ता था, अब ये इसमें पड़ेगा कूड़ा, ये बन रहा है। ये अच्छा काम करा दिया प्रधान जी।